we are going to start our topic multiplication of a four digit number by a one digit number. Four digit number को one digit number से multiply करना है. कैसे करते हैं? तो देखिए, इसकी first step तो क्या है, इनको कॉलम में राइट कीजिए. ठीक है, इनको इस तरीके से अपन कॉलम में राइट करेंगे, वंस की डिजिट, फिर टेंस की, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड और फिर टेन थाउजेंड की. ठीक है, इस तरीके से अपन इनको कॉलम में राइट करेंगे. उसके बाद सेकंड डिजिट की अब अपने को क्या करना है, जैसे क्वेश्चन है कि 3354 को 6 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो अपन इनको राइट करेंगे कि 4 तो क्या है, वंस है, और 5 क्या है, टेंस है, एंड 3 क्या है, 100 है, एंड नेक्स्ट 3 क्या है, 1000 है. ठीक है, अब नेक्स्ट 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को नीचे की साइड राइट करेंगे, वंस के साइड. ठीक है, वन डिजिट है तो वंस के डाउन साइड राइट करेंगे. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए. ठीक है, 6 वंस को 4 वंस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 4 जा 24, तो 24 का 4 तो यहाँ राइट कर देंगे और 2 टेंस पर राइट कर देंगे. ठीक है, अब 6 वंस को 5 टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 30 में 2 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 32, 32 में 2 तो यहाँ राइट कर देंगे और 3 को 100 पे राइट कर देंगे. ठीक है, अब 3 वंस को 300 से, सॉरी 6 वंस को 300 से मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18, 18 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 21, 21 का 1 यहाँ राइट करेंगे और 2000 पे राइट कर देंगे. अब 6 वंस को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 18000 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20000, तो 20 का 0 यहाँ राइट कर देंगे और 2 यहाँ राइट कर देंगे. ठीक है, 10000 पे राइट कर देंगे 2 को. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 10000 में 2 है, उसको एज इट इज कैसे ही राइट कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या आया, 20124. ओके, तो इस तरीके से अपन 4 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं. अब देखिए, जैसे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, 4 वंस को 8 वंस से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो 4 की टेबल को 8 टाइम स्पीक कीजिए, 4 8 जा 24, तो 24 का 4 तो यहाँ राइट कर देंगे और 2 को 10th में राइट कर देंगे. ठीक है, सॉरी 4 8 जा 32 आएगा ना, 32 का 2 यहाँ राइट कर देंगे और 3 को यहाँ पे राइट कर देंगे. ठीक है, अब 4 वंस को 2 टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 11 टेंस, तो 11 टेंस आया, तो 11 का 1 तो यहाँ राइट कर देंगे और वंस को 100 पे राइट कर देंगे. अब 4 वंस को 300 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 वन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13, तो 13 का 3 यहाँ राइट करेंगे और 1000 पे राइट कर देंगे. 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 के टेबल को 3 टाइम स्पीक कीजिए, 4 वन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13, तो आंसर क्या आया, 13000, तो फाइनल आंसर आ गया 13312. ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी भी कर सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन, राइट इन कॉलम एंड मल्टीप्लाई. अब इन मल्टीप्लाई को कैसे करना है, पहले तो अपने को कॉलम बनानी है और उसके बाद में इन मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है. ठीक है, तो अपन वन मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे. तो देखिए, अपन ने क्या किया, 2175 को 6 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो 5 वंस, 7 टेंस, 100 2000. ठीक है, और 6 वंस. अब 6 को अपन क्या करेंगे, 6 वंस को 5 वंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 की टेबल को 5 टाइम स्पीक करना है,
31 आ गया। 31 में 0 यहाँ पे राइट करेंगे और 3 को यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। अब 6 वंस को 7 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 की टेबल को 7 टाइम स्पीक कीजिए, ओके। 6 7 जा 42, 42 में 3 ऐड कीजिए, 45 टेंस, आंसर क्या आया 45 टेंस, 45 आया, तो 45 में 5 तो यहाँ राइट कर देंगे और 4 को यहाँ राइट कर देंगे। अब 6 को 6 वंस को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 वन जा 6 और 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10, 10 का 0 यहाँ राइट कर देंगे और 4 को यहाँ राइट कर देंगे, सॉरी 10 का 0 यहाँ राइट कर देंगे और 1 को यहाँ राइट कर देंगे, ठीक है। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 वंस को 2000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 13,000, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आया 13,050, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से अपने को इन मल्टीप्लाईज को करने हैं, ओके। सबसे पहले अपने को कॉलम बनानी है और फिर अपने को इस तरीके से ही इनको सॉल्व करना है, ओके। क्वेश्चन थर्ड देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द तेजस एक्सप्रेस बिटवीन न्यू दिल्ली टू कोलकाता इज 1456 किलोमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय 9 ट्रिप्स ऑफ द सेम ट्रेन। अगर तेजस एक्सप्रेस से अगर ट्रेवल करता है, ठीक है, तेजस अगर एक्सप्रेस से ट्रेवल करते हैं तो न्यू दिल्ली से कोलकाता के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1456 किलोमीटर का है, ठीक है। अगर वहाँ पे अपन 9 ट्रिप करते हैं, अगर अपन 9 ट्रिप करते हैं तो फिर वहाँ उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे 1456 किलोमीटर को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 1456 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। 9 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या करेंगे 9 की टेबल को 6 टाइम स्पीक करेंगे, ठीक है। 9 6 54, तो 54 को 4 तो यहाँ राइट कर देंगे और 5 नेक्स्ट डिजिट पे राइट कर देंगे, ठीक है। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 की टेबल को 5 टाइम स्पीक कीजिए, 9 5 45 में 5 ऐड करेंगे, 45 में ये 5 कैरी पावर ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल 50, तो 50 का 0 यहाँ राइट करेंगे और नेक्स्ट 5 को यहाँ राइट कर देंगे। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 1 9 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, ठीक है। 36 में 5 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 36 में जब 5 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 41, ठीक है। 41 का 1 यहाँ राइट करेंगे और 4 को नेक्स्ट डिजिट पे राइट कर देंगे। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 की टेबल को 1 टाइम स्पीक करेंगे, 9 1 9 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13, तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास 13,104 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रियंका प्लांट्स 6 सैपलिंग्स इन ए वीक, सी हैज बीन डूइंग दिस फॉर ईयर, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ सैपलिंग्स सी हैज प्लांटेड इन 2456 वीक्स। प्रियंका क्या करती हैं, 1 वीक में 6 प्लांट लगाती हैं, क्या करती है 1 वीक में 6 प्लांट लगाती हैं। अगर वो यही काम कुछ सालों तक करती हैं, ठीक है, यही काम अगर वो कुछ सालों तक करती हैं तो टोटल वो 2450
सिक्स वीक्स वीक तक करती है, ठीक है। तो बताइए 2456 वीक में वीक्स में वो टोटल कितने प्लांट लगाएगी। तो अपन क्या करेंगे 2456 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टोटल जो प्लांट की जो डिजिट्स हैं वो आ जाएंगे, प्लांट के नंबर आ जाएंगे। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 का 36, 36 का 6 तो यहाँ राइट कर देंगे और 3 नेक्स्ट डिजिट पे कैरी पावर लगा देंगे। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 5 का 30, 30 में 3 ऐड कीजिए, 30 में कैरी पावर ऐड कर दीजिए 33, तो 3 को यहाँ राइट कर देंगे और 3 कैरी पावर आ जाएगा। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6 4 जा 24, 24 में 3 ऐड कर दीजिए 25, 26, 27, 27 का 7 यहाँ राइट कर देंगे और 2 को यहाँ राइट कर देंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 14,736 प्लांट्स, ठीक है। टोटल कितने प्लांट्स लगाती हैं 14,736। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डिजिटल स्टोरेज डिवाइस कंटेंस 3,045 सॉन्ग्स, हाउ मनी सॉन्ग्स विल बी देयर इन 8 सिमिलर डिवाइस, 8 सिमिलर डिवाइसेस। एक डिवाइस है जिसमें 3,045 सॉन्ग्स है, एक डिजिटल डिवाइस है जिसमें 3,045 सॉन्ग्स हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही अपने पास 8 डिवाइस है, अगर ऐसे ही अपने पास 8 डिवाइसेस हैं तो बताइए टोटल कितने सॉन्ग होंगे। तो अपन क्या करेंगे 3,045 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3,045 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 85 का 40, 40 का 0 यहाँ राइट कर देंगे और 4 कैरी पावर लगा देंगे। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 32 में 4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 36, तो 6 को यहाँ राइट कर देंगे और 3 को कैरी पावर लगा देंगे। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएंगे। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यहाँ राइट कर देंगे अपन 24, ठीक है। 24,360 सॉन्ग्स हैं, ठीक है। टोटल सॉन्ग्स कितने हैं 24,360, ओके। तो ये आपकी एक्सरसाइज थर्ड सी कंप्लीट हुई, सो इट्स इनफ फॉर टुडेज। द मेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।